राधे राधे दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम एक वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि येलो सफ़ायर पर को हमें कोई वीडियो लेके आना चाहिए, तो काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो येलो सफ़ायर के लिए लेकर के आए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ध्यान से देखें। मैं ये वीडियो एक थोड़ा हाई एक्सपोजर लाइट में शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कलर में थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिखे, मगर लाइट में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको अंदर का इंक्लूजन और इस तरह की चीज़ें थोड़ा क्लियर से दिख सकें, तो आपको समझने में आसानी हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इस प्रकार की रिंग है। ये रिंग येलो सफ़ायर रिंग हमें मार्केट से मिली, हमने कहीं से ली थी, तो टेस्टिंग के साथ भी मिल जाती है, लेकिन बहुत कम रेट में ये थी। तो और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में एक जेन्युइन पुखराज या कोई भी अन्य रत्न खरीदना चाहते हैं, तो आप बनी बनाई रिंग कभी मत लें। आप पत्थर अलग से लें और रिंग अपने आप बनवाएं। बनी बनाई रिंग में अगर आप लेंगे तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आपको वो रत्न जो है, वो स्टोन जो है, वो नकली ही मिलेगा। तो ये ऐसी, इसको इस बारे में चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये रिंग बिल्कुल ही नकली है। तो हम पहला हमारा ये जो स्टोन है, हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया है। ये दूसरे प्रकार का हमें स्टोन मिला, ये देखिए कितना बिल्कुल पीला है ये, है ना, बिल्कुल क्लियर है ये, बिल्कुल इतना साफ, इतना सुंदर। तो इतना साफ और इतना सुंदर जो है, वो इतना, ऐसा पत्थर तो नहीं मिलता आसानी से ना। पत्थर तो कैसा भी होता है, नेचुरल चीज़ वो कैसी भी होगी, तो ये तो देख करके ही समझ जाना चाहिए। और हल्दी जैसा लगभग इसका कलर है, ब्राइट कलर है, तो ये बिल्कुल ही फेक है। एक तीसरा आप ये देखेंगे, ये तो इतना अच्छे से, इतना स्मार्टली बनाया गया है, मगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कांच है, बिल्कुल क्लियर ये है। और बात ये है, ये देखो बिल्कुल क्लियर है, अंदर से आप देखोगे ना इसको, थोड़े थोड़े बबल्स भी इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। ये बहुत स्मार्टली चीट करने की कोशिश की गई है, और ये जो है येलो सफ़ायर आपका नहीं है, ये कांच है बिल्कुल, ठीक है। तो ये तीनों तो शुरुआती रेंज में ही येलो सफ़ायर के नाम पर, येलो सफ़ायर वो नहीं थे। फिर हम बात करते हैं इस स्टोन को लेते हैं। ये एक स्टोन है, एक स्टोन आता है सुनहला, जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एक स्टोन है, थोड़ा येलोइश होता है ये, लाइट में थोड़ा वाइट नज़र आ रहा है, मैं लाइट बंद करके देखता हूँ इसका जो कलर है वो थोड़ा सा आए तो, लेकिन देख पाना थोड़ा मुश्किल है। ये इसके साथ का कलर है, इसमें थोड़ा येलोइश आपको नज़र आ रहा है। ये है तो स्टोन ही, मगर ये येलो सफ़ायर या पुखराज नहीं है, ये सिट्रीन है। तो अगर आप इसको सुनहले की तरह से पहने या उपरत्न की तरह से पहने तो ये ठीक है, मगर कोई इसको आपको पुखराज कह करके सेल कर दे, वो चीज़ ये नहीं है। तो ये पुखराज बिल्कुल नहीं है, और अगर इतनी सुंदरता वाला पुखराज आपको मिलेगा तो वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव आएगा। फिर हम चलते हैं इस स्टोन की तरफ। एक स्टोन आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा पेल येलो कलर इसका है, थोड़ा डार्क शेड में है ये, और ऑरेंज शेड, हल्की हल्की ऑरेंज शेड और येलो की मिक्सचर काइंड ऑफ इसमें दिख रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको ना बबल्स नज़र आएंगे, ये देखिए थोड़े थोड़े बबल्स हैं इसके अंदर। बबल्स क्या होते हैं, ग्लास फिलिंग होती है, ग्लास की फिलिंग की जाती है अंदर। और ये है येलो सफ़ायर ही, मगर ये बैंकॉक का येलो सफ़ायर है। बैंकॉक मतलब जिसमें ट्रीटमेंट हुआ हो, ये वो येलो सफ़ायर आपको ये मिलेगा, ग्लास फिलिंग वाला रहता है ये। विदाउट ग्लास फिलिंग भी आते हैं, मगर ये बैंकॉक वाले येलो सफ़ायर हैं। तो ये इनमें छेड़छाड़ जो है वो नेचुरल तरीके से नहीं होती है, तो इसलिए छेड़छाड़ होने की वजह से ये नेचुरलिटी इनकी मेंटेन नहीं रहती है। आप ये देखेंगे, इसको भी अगर आप देखेंगे, ये भी बैंकॉक का ही येलो सफ़ायर आपको मिलेगा। फिर हम एक और देखते हैं, इसको आप देखिए, ये भी पुखराज है, मगर ये नाइजीरिया का है। इसकी पहचान कुछ इस प्रकार की है, थोड़ा सा ये कलर में डल कलर होता है, अभी लाइट ज़्यादा है इस वजह से आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको किसी और के साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ तो आपको ये एक कलर का एक आइडिया आपको आ जाएगा। ये देखिए, ये इस कलर के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो डल कलर जैसा है, या सिट्रीन के साथ आप रखेंगे तो भी आपको इसी कलर का आइडिया आएगा कि काफ़ी कलर इसका डल है। तो ये डल कलर का होता है, नाइजीरिया का ये येलो सफ़ायर इसको बोलते हैं, नाइजीरिया का है ये।
फिर हम चलते हैं एक और पुखराज की तरफ। ये एक अच्छा पुखराज है, ये अफ्रीकन माइंस का है, ये अफ्रीकन माइंस का है और काफ़ी सुंदर भी है। ये पुखराज भी पहनने के लिए अच्छा हो सकता है। ये ट्रीटेड होता है मगर ये ग्लास फिलिंग नॉर्मली इसमें कम आती है या नहीं आती है, और ये इनके मुकाबले सुंदर भी दिखता है और औरों से थोड़ा बेटर भी है। उतना एक्सपेंसिव भी नहीं आता है मगर इन सारे ऑप्शंस में सबसे बेहतर अभी यही है। लेकिन अगर आप असली पुखराज की बात कर रहे हैं तो हम अगर असली पुखराज की ओर चलते हैं जिसके लिए ये वीडियो हमने बनाया ही है, तो पहली बात तो ये आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे स्टोन रखे हुए हैं, तो कुछ इस तरह में ये स्टोन है। पहली बात तो ये है पुखराज जो है, सफ़ायर जो है, ये एक सफ़ायर फैमिली का एक एलिमेंट है। तो येलो सफ़ायर और ब्लू सफ़ायर दोनों ही एक साथ आते हैं। कुछ पत्थर ब्लू होते हैं तो उन्हें ब्लू सफ़ायर कहा जाता है, कुछ येलो होते हैं तो उन्हें येलो सफ़ायर कहा जाता है। और कोई भी अगर आप कलर देखोगे तो कोई स्टैंडर्ड कलर इनका नहीं होता है। कई बार ये वाइट कलर भी आपको नज़र आएगा, कई बार आपके लिए डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होगा कि ये वाइट कलर है कि ये ब्लू कलर है कि ये येलो कलर है। देखो इसमें तो ब्लू क्लियर दिख रहा है, अभी हम ब्लू सफ़ायर की बात नहीं कर रहे हैं, ब्लू सफ़ायर को हम अलग निकाल देते हैं। इसको हम देखते हैं, आप देख रहे होंगे कि कहीं से ये कलर इसका येलो जैसा है, कहीं से लाइट येलो है। तो ये सिलोन का यानी कि श्रीलंका का ये येलो सफ़ायर है। पुखराज, असली पुखराज जो है वो यही है। ये बिल्कुल बिना हीटिंग बिना ट्रीटेड ये रहता है, लेकिन आप इसकी शक्ल पे मत जाइए कि ये सुंदर नहीं लग रहा है, मगर असली पुखराज यही है क्योंकि ये सिलोन का है और ये कोई भी इसमें ट्रीटमेंट, कोई भी छेड़छाड़ इसमें नहीं हुई है। छेड़छाड़ या ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि देखो आप देख रहे होंगे इस पत्थर में एक बहुत छोटा सा मार्क है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पत्थर में एक छोटा सा मार्क है। तो इस पत्थर के मार्क को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें ट्रीटमेंट करते हैं बहुत सारे लोग। ट्रीटमेंट करने से ये सुंदर तो दिखेगा मगर ये नेचुरल नहीं रहेगा। तो अगर एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज़ के लिए आप पुखराज पहन रहे हैं तो आपको सिलोन पुखराज ही लेना चाहिए। बजट अगर आपका कम है तो आप कम रेट वाला भी ले सकते हैं। कम रेट वाले का मतलब क्या है, जिसमें इंक्लूजन ज़्यादा दिखेंगे अंदर से। आप देखोगे ये तो खैर ब्लू सफ़ायर आ गया, देखो मैं आपको थोड़ा और अच्छे वाला, पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ पुखराज। ये देखिए आप, ये देखिए, ये ओरिजिनल तो है ये, लेकिन ये शायद उतना सुंदर नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए जो अपीयरेंस सुंदरता मैटर करती है वो लोग शायद इसको पसंद ना करें। तो थोड़ा अच्छे में जाएंगे तो हम कुछ इधर चलते हैं, इससे थोड़ा बेटर जो है वो ये है। ये अगर आप देखोगे ये थोड़ा बेटर है, ये अगर आप इसको देखेंगे ये थोड़ा सा इसमें बेटर है। वाइट कलर, ये वाइट पुखराज है, बहुत ही सुंदर है, ये काफ़ी सुंदर पुखराज है, बहुत क्लियर है, बिल्कुल क्लियर भी आता है मगर वो बहुत महंगा रहता है। अगर आपको बहुत क्लियर बिल्कुल काफ़ी कम दाम में मिल रहा है तो आप ये मान के चलें कि वो जो है वो डुप्लीकेट ही होना है, उसकी में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो अच्छा पुखराज आता है, ट्रांसपेरेंट पुखराज आता है, उसकी कीमत लाखों में है। तो हालांकि ये भी कोई ख़ास उतने कम रेट वाले नहीं होते मगर सिंपल बात यह है कि ये सिलोन के पुखराज हैं। तो सिर्फ शक्ल पे ना जा कर के आप उनके वर्किंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट अगर है तो आप कम रेट वाला भी सिलोनी पुखराज ले सकते हैं, ये बैंकॉक या अन्य पुखराज लेने से ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो इसमें कलर है वो कलर किसी तरीके से करा नहीं गया। अब देखो ये कितना छोटा पीस है मगर बहुत सुंदर है। इसमें रेट जो होता है वो साइज़ के अनुसार भी होता है, जैसे ये छोटा पीस है इसलिए ये हो सकता है उतना महंगा उस कंपैरेटिवली ना हो, लेकिन अगर यही इतना सुंदर पीस बड़े में आएगा तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। तो ये एक ग्लिम्स है जिससे हम बता रहे हैं आपको, क्या कि पुखराज आप पहचान सकें। और अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए कितने इसमें दाग हैं, क्योंकि नेचुरल पत्थर जो है वो कैसा भी होता है, वो बिल्कुल एक जैसा बिल्कुल साफ़ सुथरा ऐसा नहीं होगा, वो कैसा भी होगा उसमें कहीं दाग भी होंगे, कहीं धब्बे भी होंगे, कुछ किसी भी तरीके कहीं से शेड डार्क भी होगी, है ना। ये जितनी भी नेचुरल चीज़ें आपके आसपास हैं आप देखोगे वो सभी के सभी अनइवन होती हैं, किसी की शेप डिफरेंट है, किसी का कलर डिफरेंट है, टेक्सचर डिफरेंट है। इसी प्रकार से आप इसको भी देख सकते हैं। चलते चलते मैं आपको एक ब्लू सफ़ायर भी दिखा देता हूँ।
क्योंकि ये इसी की फैमिली का है। तो ये ब्लू सफ़ायर है, आप देखोगे इसकी शेड भी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, मगर ये बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर जो है ब्लू सफ़ायर है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि देखो साइड से ये थोड़ा कटा है और ये सबसे कुछ फ़र्क पड़ता है, एक्चुअल में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये खुद भी कट करके ही बनते हैं, कटिंग होने के बाद ही ये बनते हैं, लेकिन स्टोन का सुंदर होने से ज़्यादा उसका ओरिजिनल होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टोन ओरिजिनल नहीं है तो वो कितना भी सुंदर हो वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ़ एक आर्टिफिशियल वस्तु के प्रकार ही है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई डाउट हैं इससे रिलेटेड कि हम कैसे पुखराज के बारे में कुछ और पर्टिकुलर आप जानना चाहते हो, या ट्रीटमेंट के बारे में, या किसी और अन्य बात के बारे में आप जानना चाहते हो, तो हम इस बात इस पर कमेंट करें। एक बात मैं आपसे चलते चलते और कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी से पुखराज लें तो दो प्रकार के सर्टिफिकेशंस जो शॉपकीपर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। एक सर्टिफिकेशन होता है वो किसी थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट होता है, जो टेस्टिंग लैब्स होती हैं उनके आसपास में, वो उनसे वो सर्टिफाई करके वो देते हैं। आप प्रयास करें कि जिस पर्सन से या जिस कंपनी से या जिस शॉप से आप ले रहे हैं आप उन्हीं के सर्टिफिकेशन पर कोई भी स्टोन लें, क्योंकि अगर वो गलत होता है तो वो उसके लिए ज़िम्मेदारी लेते हैं और वो उसको चेंज भी करते हैं। मगर अगर वो थर्ड पार्टी का है तो हो सकता है आप सही स्टोन ले पाएँ, इसकी चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि जो खुद सर्टिफाई करते हैं, और खुद सर्टिफिकेशन में भी ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो आपको ऐसा सर्टिफिकेट दे रहे हैं जो ऑनलाइन आप ट्रैक कर सकते हैं, क्या आपके जो स्टोन की फ़ोटो है वो उनके जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है उसके ऊपर सेम है, क्या इस बात की सारी चीज़ें आप चेक करें, उसके डायमेंशन चेक देखें, वेट देखें, सब कुछ आप देखें कि वही स्टोन होना चाहिए, कि कोई नहीं उन्होंने सैंपल, ऐसा ना हो कि कोई सैंपल स्टोन की उन्होंने रिपोर्ट आपको दे दिया ऑनलाइन और रियल में आपका जो स्टोन है वो डिफरेंट है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन जब भी आप लें, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप सेलोन पुखराज की तरफ ही जाएं। और अगर आप बात करें कि कौन सा स्टोन, मतलब पुखराज कितना काम करता है कि नहीं करता है, सेलोन वाला काम करता है या सुनहला काम करता है या सिट्रीन काम करता है, वो सब के लिए हम इसमें अगले अध्याय में इस बारे में बात कर सकते हैं। आपके जो भी कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, सभी को राधे राधे।